क्या केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के तहत की जा रही भर्ती जाति और धर्म के आधार पर हो रही है? क्या सेना में आरक्षण का प्रावधान होने वाला है? इसी तरह के सवाल आज खड़े हुए जब दिल्ली से लेकर बिहार तक के नेताओं ने अग्निपथ के तहत भर्ती से जुड़ा एक ऐसा फोटो शेयर किया जिसमें जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और धर्म प्रमाण पत्र यानी रिलीजन सर्टिफिकेट मांगा गया है। खुद भाजपा के ही नेता वरुण गांधी ने भी इसे ट्वीट करते हुए सवाल खड़े किए कि भाई सेना में तो किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, फिर भला अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? चलिए अब इस फोटो के पीछे का सच आपको बताते हैं। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूँ निधि तनेजा। सबसे पहले वरुण गांधी का ये ट्वीट देखिए। इस फोटो के साथ वो लिखते हैं, सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वही फोटो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? अब देखिए, बिहार से भी फुल ऑन रिएक्शन आया, उसी कास्ट सर्टिफिकेट वाली तस्वीर के साथ। तेजस्वी यादव लिखते हैं, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। आगे तेजस्वी लिखते हैं, आजादी के 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत? जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा ने भी पूछा, वो भी सीधा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, कहा कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यहाँ कुशवाहा साहब ने कहा और वहाँ संसद के बाहर राजनाथ सिंह ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया। लेकर बातें हो रही है कि जाति वाली बात आ रही, प्रमाण पत्र माना जा रहा, क्या है ये पूरा? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूँ, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लेरिफाई करने की समझता हूँ कोई जरूरत नहीं। अब रक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि भाई ये सिर्फ अफवाह है, जो पहले व्यवस्था चली आ रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। आपकी समझ के लिए बता दें कि जाति का प्रमाण पत्र, धर्म का प्रमाण पत्र कोई आज अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के बाद नहीं मांगा गया है, बल्कि ये पहले से चलता चला आ रहा है। और यही कहते हुए नजर आए राजनाथ सिंह। उधर आर्मी ने भी कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट पहले से ही हो रही है। इस संदर्भ में अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी एक बात यहां पर स्पष्ट है कि हमेशा से सेना में रिक्रूटमेंट के वक्त आपको ये कास्ट रिलीजन वाला सर्टिफिकेट जो है, कॉलम जो है, ये भरना पड़ता है। ये कोई नया ऐड किया गया कॉलम नहीं है। साथ ही सेना ने आगे कहा कि ज्यादातर रिलीजन यानी धर्म की जानकारी लेने का मकसद ये भी होता है कि ऐसे जवान जिनकी जान ट्रेनिंग या हार्नेस के दौरान होती है, उनका अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ही हो। फिर पूछने वालों ने यह भी पूछा कि बताओ कि भाई जाति और धर्म के प्रमाण पत्र की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो इस पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने 2013 की बात बताई। उन्होंने कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल की थी और ठीक यही सवाल पूछा था कि जाति और धर्म के कॉलम सेना की भर्ती में क्यों होते हैं। उस साल एफिडेविट पेश करते हुए भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था कि इसमें धर्म और जाति का कोई रोल नहीं है, पर यह एक प्रशासनिक
और ऑपरेटिव जरूरत है। संबित ने कहा कि 2013 में मोदी सरकार नहीं थी, तब कांग्रेस के समय सेना की ओर से साफ ये किया जा चुका है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे PIL दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है, किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? संबित पात्रा ने सेना की बात को दोहराते हुए कहा कि अगर युद्ध के समय कोई जवान शहीद होता है तो उसकी अंत्येष्टि की जाएगी, वो कैसे की जाएगी, ये निर्धारण भी पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाता है और इसीलिए धर्म का कॉलम भर्ती प्रक्रिया में रखा जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली अभाग्यवशत यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। हमने खुद भी आर्मी के पुराने रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन चेक किए, हमने क्या पाया जरा देखिए। ये है 2017 में जारी किया गया एक इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट रैली का नोटिफिकेशन। हमने पाया कि यहां भी कास्ट और रिलीजन भरने को कहा गया है। अब ये रहा पिछले साल यानी 2021 का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यहां भी धर्म जाति पूछी गई है। फिर 2019 का देख लीजिए नोटिफिकेशन, यहां भी आप रिलीजन और कास्ट सर्टिफिकेट का कॉलम देख पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और इस मामले पर अपनी राय भी हमसे साझा करें।